सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, ठीक सर, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, खो दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक सर, मान लिया। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे ये हमें बताना है, दोनों के पास कुल 45 कंचे थे, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। तो मान लिया कि जॉन के पास शुरुआत में, माना जॉन के पास कंचे, पास कंचे कितने थे एक्स, और एक और कौन है जीवांत, जीवांत के पास कंचों की संख्या क्या थी, टोटल 45 थे, तो इसके पास यदि एक्स हो गया तो जीवांत के पास क्या बचेगा, टोटल यदि 45 थे, जॉन के पास एक्स हो गया तो जीवांत के पास 45 में से एक्स घटे होंगे, कोई तो बचेंगे, जीवांत, जीवांत, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब पांच पांच कंचे खोने के बाद दोनों के पास शेष कंचों की संख्या, पांच पांच कंचे खो दिए तो इसके पास हो जाएंगे एक्स माइनस पांच, और इसके पास हो जाएंगे 45 माइनस का एक्स और माइनस का पांच, मतलब ये हो जाएगा 40 माइनस का एक्स, दोनों ने पांच पांच कंचे खो दिए, उसके बाद उनका गुणनफल 124 आता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार एक्स माइनस फाइव और 40 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया है, कितना 124। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे अब इसका इसमें, तो ऐसे करते ना इन दोनों ब्रैकेट्स का, पहले इसका इसमें, तो इसमें करोगे तो ये आएगा 14th x, फिर x का x में, तो माइनस का x स्क्वायर, ओके, फिर माइनस के 5 का इसमें, तो माइनस साइन आएगा और 5 4 20, और इसमें करोगे तो प्लस का 5 x, ये आएगा 124, कोई इशू नहीं, ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, 14th x, तो 5 x क्या हो जाएगा, प्लस का 45 x, माइनस का 200, ये माइनस का 2 120, इक्वल टू 0, माइनस भाग दे दीजिए सब में से, हटा दीजिए, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, कीजिए नहीं कीजिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप परेशान ना हो बस, माइनस का एक्स स्क्वायर अभी कर देता हूँ, प्लस का 45 x, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 and 2 and 3 माइनस का, अब आप माइनस का डिवाइड, मतलब माइनस कॉमन ले लीजिए, इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन लोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा 45 x, ये प्लस का हो जाएगा 324। अब आप लोगों को वही इक्वेशन बन चुका है, इक्वेशन मतलब ये आपका इक्वेशन है, अब हमको क्या है यहाँ पर इक्वेशन खोलना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 x, इसको ऐसे खोलना है कैसे, कि जोड़ने पर 324 की मल्टीपल करो 324 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जो कुछ भी आपके सामने ही है तो ठीक है, मैं आपको इधर खोल के दिखलाता हूँ, 324 है ना, तो इसको ही खोलता हूँ आपके ही सामने, 324 ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 2 से आप कीजिए, 2 1 2 2 6 12 2 4, ठीक, माना मान लिया, 1 ठीक ठीक, ओके, मान लिया मान लिया, सब कुछ अच्छा है अच्छा है। हमको ऐसी संख्याएं बनाना है जिनका जोड़ने पर माइनस का 45 होना चाहिए, ठीक है, क्या सेट तैयार करना चाहते हो, देखो सेट कैसे तैयार करते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे गुणनखंड हैं, तो अब हम इनको ऐसे सेट तैयार करेंगे, 3 3 9 3 9 18 18 36 36, 4 कितना होता है 36 4 40 होता है, तो फिर 36 4 से मल्टी, 36 4 से आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है, फिर किससे बनेगी, 36 और 9 से, शायद 3 9 9 2 18 3 9 9 2 18 18 2 36 36 और 9 3 3 9 3 9 9 4 36, ठीक, तो 36 और 9 से शायद आपकी बन जाए, 36 और 9 45 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ 36 x और प्लस, या आप यहाँ लिख दीजिए 9 x, क्योंकि यहाँ पहले से छोटा है सब कुछ, और यहाँ से आप लोगों को लिख देना है प्लस, भले ही करोगे लेकिन माइनस से कितना आएगा 36 x ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ये 324 दिख रहा होगा आसानी से, या आप कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9 x, ये आएगा आपका माइनस का 36 x और प्लस 324, यहाँ से कॉमन लोगे आप एक्स, ये बचेगा एक्स माइनस का 9, ओके, यहाँ से कॉमन लोगे माइनस का 36, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस का 9, ये बचेगा, आप लेकर के देख लेना,
इसको आप तोड़ोगे 36 इंटू 9 में ही तोड़ोगे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीपल ही उसका लिया हमने 36 होना लिया है कि नहीं, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इन दोनों कॉमन लेंगे। ओके x स्क्वायर टू जो हमें गुणांक प्राप्त हुए x स्क्वायर टू 9 और x स्क्वायर टू 36 दो प्राप्त हुए हैं कि नहीं, दो दो चीजें हमको मिली हैं। तो आपसे और कहना क्या चाहता है, उसके बाद कुल कितने कंचे थे, अब कुल कितने कंचे थे, तो सर चूंकि 9 और 36 का एक 45 है तो गुणनफल 324 है, तो उनके पास अविष्ट कंचे 9 और 36 थे, मतलब पहले वाले के पास 9 थे और दूसरे वाले बाबू के पास 36 थे, या दूसरे वाले के पास 9 थे पहले वाले के पास 36 थे, ये नहीं पूछा है किसके पास कितने, ये पूछा है अल्टरनेट दोनों के पास कितने थे, तो एक के पास 9 थे और एक के पास 36 थे, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, फिर आप लोग देख लीजिए, वैसे तो कोई इशू नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इजी तरीके से मैंने समझाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है आप लोगों से, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों से क्या कहता है, सेकंड का सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी जो है हो चुकी है, जिसका वजह से भी साफ हो रहा है, इसको साफ करना पड़ेगा, रूमाल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ना क्या सर, प्रिंट कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुटीर उद्योग जो होते हैं घरों में निर्मित करते हैं उनको कुटीर उद्योग कहते हैं, तो एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित, तो कुटीर उद्योग तो आप बिल्कुल समझते ही होंगे, अब वो आपसे क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, काफी क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई क्रिटिकल नहीं है, ध्यान से समझना जरूर, ठीक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है, मतलब एक दिन में जितने खिलौने निर्माण होंगे 55 में से उसको घटा दिया जाएगा, संख्या के बराबर है, किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, खिलौनों की संख्या अपन को ज्ञात करना है, तो मान लिया कि निर्मित हुई खिलौनों की संख्या एक्स है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 - x, क्योंकि वो जितने निर्मित होते हैं उतने तो घटा दिए जाते हैं, वही तो आपसे कह रहा है ना, वो आपसे क्या कह रहा है, जितने खिलौने निर्मित होते हैं 55 में से उसको जो है घटा दिया जाता है, तो वही उसकी इक्वल रेट होती है, देखो समझो होगा तब आपको समझ में आएगा, तो मान लिया एक दिन में निर्मित, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, वो आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या x मान लिया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, फिर 55 में से x घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा 55 - x होगा ना, 55 - x होगा, कोई इशू नहीं है इसमें आपको, ठीक, 55 - x आप लोगों को करना है, ठीक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको होगा 55 - x, अब वो आपसे क्या कह रहा है, खिलौने का विक्रय मूल्य एक दिन 750 रुपए, तो विक्रय मूल्य कैसे, संख्या और उसका मूल्य ही तो उसका विक्रय मूल्य होगा ना, संख्या उस दिन थी x और उसका एक खिलौने का विक्रय मूल्य होता है इतना, मतलब पूरा लागत इतना आती है 750 रुपए, उस दिन इतनी लागत आई टोटल, क्योंकि खिलौनों की संख्या में एक का इतना मूल्य खर्च होता है और संख्या इतनी है, तो कुल इतना खर्च होगा, होगा एक चॉकलेट को बनाने में आपको जो है 1 रुपया लगता है, उस दिन खर्चा आया था 500 रुपए, तो आपकी चॉकलेट कितनी होगी, जब एक चॉकलेट को बनाने में 5 रुपया लगता है, उस दिन खर्चा आया था 500 रुपए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को जो कुछ भी उसका तय हुआ वो चॉकलेट के हिसाब से तय हुआ, तो मतलब 5 चॉकलेट बनी होगी, सेम कंडीशन कुछ यहाँ पर है, खिलौनों की संख्या के ऊपर ही डिपेंडेंसी कर रहा है, दोनों को मल्टीपल ही तो होगा, नंबर ऑफ टॉयज कितने खिलौने हैं, प्रत्येक खिलौने पर कितना, 10 खिलौने वाले देते हैं, प्रत्येक खिलौने 5 रुपए खर्चा आता है, ठीक, और इधर 50 रुपए खर्च हुए थे, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर खिलौनों की संख्या दी गई है, खिलौने का मूल्य दिया गया है,
उसका गुणा ऑक्सीजन दिए गए खर्च के बराबर होगा, बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर ये होगा 750, इसको इधर ले आइए या उसको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स इसको इधर ले गए और प्लस का 750। अब इसको हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो जोड़ने पर 55 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के लिए जोड़ेंगे तो माइनस का 30x, 30 और 25 में ले लें, 30 और 25 हाँ 30x और प्लस करते हैं माइनस का 25x, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं थोड़ा सा, हर बार मैं आपको इतना खोल रहा हूँ अब तो आप समझ ही सकते हो, ये आपका हो जाएगा, इसमें से आपको क्या कॉमन लेना होगा माइनस का 25, ये हो गया, इसमें से आप माइनस का 25x कॉमन लीजिए, 25 अकेला यहाँ का बचेगा, x माइनस का 30 बचेगा, ये दोनों एक जैसे हैं इनको कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 25, x का ही मान ज्ञात नहीं कर रहा है ना, x मान एक जगह 30 प्राप्त हो रहा है और एक जगह 25, आपका हो गया अलग अलग कैसे होगा सर, तो उस दिन निर्मित हुए खिलौनों की संख्या या तो 25 होगी या 30 होगी, तभी तो 25 और 30 दोनों दे रहा है ना, उस दिन जो खिलौने की संख्या जो निर्मित होगी या तो 25 खिलौने निर्मित होंगे या 30 खिलौने निर्मित होंगे, ये आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर निर्भर करता है, जितना आपका उसका जो है एक खिलौने का क्रय मूल्य उसी हिसाब से डिसाइड होता है जितने खिलौने को बनाता है ना, तो उस दिन या तो 25 खिलौने बनाएगा या 30 खिलौने बनाएगा, यही आप लोगों का आंसर था, यही आप लोगों से पूछा गया था। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है,